अब किन कामों से रोज़ा नहीं टूटता है, किन कामों से रोज़ा नहीं टूटता है, तो भूल चूक से खाने से रोज़ा नहीं टूटता है। भूल चूक से अगर कोई खा ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 6669 के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई भूल से खा ले तो उसको अल्लाह ने खिलाया और अल्लाह ने उसको पिलाया, चाहे कितना ही खा लिया, पेट भर के खा लिया, तो उसके ये नहीं कि अब खा लिया है छोड़ो अब खा ही लो पूरा, एक निवाला खा लिया याद आ गया, भूल से खा लेता है उसको मालूम नहीं होता, घर में कोई नहीं गया, रोज़ की तरह वो किचन में गया कुछ उठा के खा लिया, अब उसने खा लिया सोचा अरे अब तक खुली गया चलो पूरा डब्बा ही खा जाओ, वैसा ना करें, ये अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया, अब वो क्या करे उसको छोड़ दे जो जो मुँह के अंदर है तो उसको थूक दे और अपना रोज़ा मुकम्मल कर ले, अपना रोज़ा वो पूरा करे, उसका रोज़ा सही है, शक वगैरह में वो ना रहे और जो है इससे रोज़ा नहीं टूटता है भूल से खाने से। हाँ अगर जानबूझकर खा जाए ये तो उसके दिल को मालूम है जानबूझकर खाए कि भूल से खाए, अल्लाह जानता है नियतों को भी जानता है, तो वो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत के अंदर जो है दांत साफ़ कर सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम जो है मिसवाक करना सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लम मिसवाक किया करते थे जबकि आप रोज़े की हालत में होते थे, तो इसको किया जा सकता है। तो मिसवाक अगर नया भी मिले तो ब्रश भी किया जा सकता है, तो ब्रश में ऐसा पेस्ट ले जिसके अंदर जो है मज़ा ना हो, मज़ा यानी कि जो है पेस्ट भी आजकल मिंट वाला आता है, स्वाद वाले आते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये फ्लेवर वो फ्लेवर, तो फ्लेवर वाला ना ले, सादा पेस्ट हो उससे आप कर सकते हैं, खाली ब्रश से भी दांत को हम साफ़ कर सकते हैं बगैर जो है इसके बगैर पेस्ट के भी किया जा सकता है। अब कुछ लोग दांत साफ़ नहीं करते हैं, पहले दांत सड़े हुए वो फिर और सड़ा के वो करते हैं, बोले क्यों नहीं, वो साहब हदीस में आता है ना अल्लाह को जो मुँह की बदबू पसंद, तो मुँह की बदबू पसंद है तो अल्लाह को पसंद है, तो वो पेट के अंदर जो कुछ नहीं होता उसकी वजह से आती है, वो कब पसंद है, रोज़े कयामत अल्लाह के लिए भूखा रहा इसलिए। अब दुनिया में ये कि पड़ोस नमाज़ पढ़ने जा रहा पास पास में और पास वाले को दांत भी साफ़ नहीं कर रहा और जो है उसके बंदे बदबू आ रही है उसके मुंह से और उसको परेशान कर रहा है, तो फरिश्ते भी होते हैं मस्जिद के अंदर, तो फरिश्तों को और वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही वाले हैं तो उनको भी पसंद नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, इसको जो है दांत वगैरह को साफ़ रखना चाहिए, जिसमें एक बार एहतियात करें कि पानी वगैरह और जो पेस्ट वगैरह है वो अंदर ना जाए, उसे किया जा सकता है। क्या अगर किसी गर्मी की शिद्दत की वजह से कोई आदमी गुस्ल कर सकता है, वजू तो सब करते हैं, वजू तो नमाज़ पढ़ने जा रहा तब उसको वजू करना है, लेकिन गुस्ल के ताल्लुक से लोग कहते हैं नहीं अब तुमने नहा लिया क्या मतलब तुम्हारा रोज़ा तो टूट गया, तो ऐसा नहीं है, इसके ताल्लुक से भी मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2365 के रोज़े की हालत में अल्लाह के रसूल से एक बार आए और आकर बैठे, गर्मी की शदीद शिद्दत थी, गर्मी ज़्यादा थी, अल्लाह के रसूल से पानी मंगवाया और सर पर डाला, तो इसमें जो है गुस्ल भी किया जा सकता है आपको, अगर गर्मी उसमें लग रही है तो आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह जो है इसके अंदर आपको जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, आपको पंखा दिया पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलर है तो कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसी है तो एसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये नहीं कि वो आदमी को क्या क्या रोज़ा तुम्हारा रोज़ा तो हमारा है, गर्मी के अंदर काम करते हैं हम हथौड़ा चला रहे हैं बोरियाँ तोक रहे हैं, तो भाई ये तो अल्लाह ने जिसको नेमत दी, अल्लाह ने आपके तकदीर में ये लिखा तो आपको तो शिद्दत से रखना है, आपको हो सकता है अजर सवाब अल्लाह देगा ज़्यादा देगा आपको मिलेगा, लेकिन कोई आदमी ऑफिसर है तो उसको ये नहीं कि वो बंद कर दो एसी वेसी सब रोज़ा है, तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका इस्तेमाल करें, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो रोज़े की हालत में ये चीज़ें उसमें वो कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। इसी तरह रोज़े की हालत में एक मसला आता है नौजवान के ताल्लुक से, पूछते हैं अक्सर कि रोज़े की हालत में अगर एहतलाम हो जाए, एहतलाम यानी कि इसको कहा जाता है स्वप्न दोष, ये अगर हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है, तो सही बुखारी की रिवायत है इसके ताल्लुक से हमको मिलता है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, इससे क्या है कि अगर एहतलाम हो गया तो क्या करे उठे गुस्ल कर ले, गुस्ल कर ले उसका रोज़ा मुकम्मल है, उसके रोज़े पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका रोज़ा दुरुस्त है। तो आम उसूल क्या है कि रोज़ा किस चीज़ से टूटता है, कोई भी चीज़ को अंदर दाखिल करने से रोज़ा टूटता है, बाहर निकलने से कोई चीज़ रोज़ा नहीं टूटता, सिवाय ख्वातीन का एक अलग मसला है, वज निफास का मतलब वो उनका अलग है, बाकी मर्दों के ताल्लुक से ये है कि कोई भी जो है चीज़ को बाहर निकल से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह जो है एक और ही मसला आता है, कोई क्या अपनी रमज़ान के अंदर, रमज़ान के कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि रमज़ान में बीवी से सोहबत करना कर सकता है, मना नहीं है, उसको मना नहीं किया गया है, पहले के दौर में पहले के जो है उनके ताल्लुक से मना था, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कर दिया के दिया कि जो है अपनी बीवी से तुम ताल्लुकात रमज़ान में रात में कर सकते हो, दिन में तो रोज़ा होता है, तो उनसे ताल्लुकात कायम की जा सकते हैं और जो सोबत की जा सकती है, और सोबत की हालत में क्या सोबत, अब वो उठे लेट हो गए और शेर का वक्त हो गया, अब वो अगर गुस्ले लेने जाएगा तो शेर छूट जाएगी, तो क्या वो जनाबत की हालत में शेर कर सकता है, नापाकी की हालत में
तो कर सकता है कि इसके ताल्लुक से मिलता है। सही बुखारी की रिवायत है और ये मुस्लिम में भी आती है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। सही बुखारी हदीस नंबर 1925 कि आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती कि अल्लाह के रसूल सल्लम उन पर जो है सेहर वो किया करते थे और उन पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता, लेकिन वो सेहर करते, उसके बाद गुस्ल करते और उसके बाद सुन्नत पढ़कर मस्जिद जाया करते थे। तो हमको यहाँ से मिलता है। और वैसे भी हम देखें तो जो है तहारत जो है सिर्फ दो चीज़ों के लिए फ़र्ज़ है, किसके लिए? एक तो नमाज और दूसरा तवाफ़। इसके अलावा जो है बाकी सब में मुस्तहब है, अच्छा अमल है, सुन्नत है, उसको कर सकते हैं, तो ये इसमें किया जा सकता है। अब क्या रोज़े की हालत में कोई सुरमा लगा सकता है, मालिश करवा सकता है, तेल लगा सकता है, बाल कटवा सकता है, नाखून काट सकता है? हाँ, ये सब कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो लोग जो है कई लोगों का ताल्लुक से आता है कि फ़ोन भी आते हैं, लोग कहते हैं भाई वो तेल डाल लिया, चंपी करवा ली, और एक भाई बोल रहे कि तुम्हारा रोज़ा टूट गया। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर कोई खाने की चीज़ नहीं है आपके, सर से खाता है कोई आदमी? नहीं खाता, तो आपके खाने की जगह नहीं है। इसी तरह सुरमा भी लगाया जा सकता है। कुछ उलमाओं ने कहा कि सुरमा को वो रात में लगाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें जो है आमतौर पर सुरमा भी लगाया जा सकता है। तेल जो है डाल सकते हैं, तेल मालिश की जा सकती है, बाल कटवा सकते हैं, नाखून तरसवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सब इसमें किया जा सकता है। क्या रोज़े के अंदर आँख नाक या जो है कान वगैरह के अंदर जो है दवाई डाल सकते हैं? क्या दवाई डाल सकते हैं भाई, बीमार आँख जो है दुख रही है तो उसमें दवाई डाल सकती है? देखिए इसमें एहतियात ये करें कि आँख कान का ताल्लुक भी गले से होता है, तो गले में चली जाती है, तो इसको अगर आप सहन कर सकते हैं तो आप करें, नहीं तो फिर जो है अगर ज़्यादा शदीद हो तो आप इसको फिर डाल सकते हैं। इतना डालें कि आप गले के अंदर ना पहुँचे और कान के अंदर से डालें तो गले के अंदर ना जाए, इसमें किया जा सकता है। इस तरह रोज़े की हालत में क्या कोई मक्खी मच्छर या कोई कीड़ा वगैरह मुँह में चला जाए, मकोड़ा कीड़ी जो भी है मुँह में चली जाए, तो क्या रोज़ा टूट जाता है? अंदर चली गई, अंदर ही उतर गया, बाहर नहीं निकला, तो क्या रोज़ा टूट जाता है? या वो अपने थूक दिया था क्या? तो देखिए उससे कोई रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता। बोले खाद खाया तो है आपने, आम वसूल तो है, अंदर जाने से टूट जाता है रोज़ा, बाहर निकल से नहीं टूटता, तो मक्खी चली गई अंदर, तो मक्खी आपकी गिज़ा नहीं है, मच्छर आप नहीं खाते, वो गलती से चला गया, उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मक्खी कोई खाता नहीं, वैसे खाने की चीज़ें मक्खी, क्या भाई शहरी मक्खी खाई? नहीं खाता मक्खी, तो मक्खी हमारी गिज़ा नहीं है, तो वो जाने से उससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़े के अंदर क्या कोई जांच किया ही जा सकती है? बीमार है आदमी या खून ब्लड वगैरह या जो औरतें हामला औरतें हैं उनके ताल्लुक से कि उनको जो जाना है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट उसी वक्त है और रोज़े की हालत में रोज़ा उन्होंने रखा हुआ है, तो क्या की जा सकती है? तो वो की जा सकती है, ये इसमें किया जा सकता है, क्योंकि आपको ब्लड देना है या पेशाब वगैरह की जाँच कराना है, हाइजा औरतें हैं उनका मसला है वो करवा सकती है, तो इसमें किया जा सकता है। ब्लड डोनेट कर सकता है आदमी, कर सकता है, उसमें ताकत है तो अल्लाह ने उसको ताकत दी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता 400-500 ग्राम खून निकालने से, तो कर सकता है, उसके ताकत के ऊपर है, वो इसमें किया जा सकता है, इसमें भी कोई। हाँ, हमला जो खातून है उसकी जांच वो करवा सकती है। हाँ, जिगर जो इसके अंदर आता है कि कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी डालकर वो चेक किया जाता है, जाँच की जाती है, तो वो भी अगर डालकर भी वो अगर वो करते हैं जाँच वगैरह की जा सकती, उस पर रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें किया जा सकता है। अब क्या रोज़े की हालत के अंदर इंजेक्शन वगैरह लगाए जा सकते हैं, ये किया जा सकता है? तो देखिए इंजेक्शन अगर ऐसा है जो दर्द का है, जिसमें गिजायत नहीं है, ताकत वाला नहीं है, ग्लूकोज का नहीं है, जिससे आपको ताकत तवानाई मिलती है, इंजेक्शन लगा लिया अब उसको 6 घंटे तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे इंजेक्शन नहीं लगा सकते। कौन से इंजेक्शन की आज को शदीद कुछ ऐसी तकलीफ है कि इसको कुछ दर्द हो गया, सूजन हो गई, या कोई भी जो है दर्द है जो उसका सही हो रहा है, उसके लिए इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, तो उसके लिए वो लगा सकता है, उसके लिए वो लगा सकता है। लेकिन जो है ऐसी कोई चीज़ जो गिजायत हो जिससे उसको ताकत नहीं मिले, वैसी चीज़ से वो नहीं करे, वो इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, दवाई नहीं पी सकते, गोली इसमें नहीं खा सकते हैं, नहीं तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह जो है बाम लगा सकते हैं या इन्हेलर को सूंघ सकते हैं, बाम लगा सकते हैं, इन्हेलर बाम असर दुख रहा है आदमी का, तो क्या बाम लगा सकता है? तो बाम लगा सकते हैं, उस पर रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो कई लोग बाम भी नहीं लगाते, कई लोग लगाते नहीं, और ये शियाओं के ताल्लुक, शिया के अंदर बहुत सारे ऐसे अमल है कि वो ये करते हैं। मैंने खुद गया एक बार तो बोले वो उसको जो है माइग्रेन की भी तकलीफ थी, उसका सर दुखता है, माइग्रेन होता है, हर सर दुखता है, तो उसके लिए कुछ उसको दवाई लेना पड़ती है, नहीं तो सर दर्द इतना होता है कि जो है दिमाग की नस फट सकती है, तो उसके अंदर भी वो नहीं लगा रहा है। क्यों? बोले नहीं, बाम लगाने से रोज़ा टूट जाएगा, उसमें भी नहीं लगा। तो ये ऐसी शिद्दत भी ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर बाम लगा सकते हैं, उससे रोज़ा आपका नहीं टूटता। और जो है कुछ अगर आपको सर्दी वगैरह हो गई तो आप इन्हेलर भी सूंघ सकते हैं, उससे भी रोज़ा नहीं टूट सकता।